हाय गाइस, दिस इज तमेश और फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम दे रहे हैं फैंटेसी टिप्स एंड हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर नेकाक्सा वर्सेस टिग्रेस। सो गाइस, ये मेक्सिकन लीग का मैच खेला जाएगा अर्ली मॉर्निंग 5:30, तो हम आपको रात को ही कुछ सजेस्टेड कॉम्बिनेशन एंड कुछ की प्लेस दे देते हैं ताकि आप जल्दी से अपनी टीम्स बना लें। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ एक बार आप वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम टेबल की बात करें तो आप देख सकते हैं टिग्रेस टॉप ऑफ द टेबल है विद 32 पॉइंट्स फ्रॉम 14 गेम्स एंड लेवल ऑन पॉइंट्स एक्चुअली विद पचुका ऑन 32 पॉइंट्स। एंड निकाक्सा की बात करें सो वो 17 पॉइंट्स पर है विद 14 गेम्स प्लेड। एंड अगर आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीजन की बात करें, क्योंकि मेक्सिकन लीग में दो पार्ट्स होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीजन में भी एक सिमिलर गैप था दोनों टीम्स के बीच में। टिग्रेस ने फोर्थ प्लेस पे फिनिश किया था एंड निकाक्सा वर इन 14th प्लेस। तो दोनों टीम्स ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है इन टर्म्स ऑफ जो उनकी पोजीशन है, बट दोनों टीम्स काफ़ी दूर हैं इन जो उनकी पोजीशंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन फेवरेट्स हो सकता है यहाँ पे। रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें सो निकाक्सा अपने पिछले 5 में से 3 मैचेस जीती हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड रिटर्न। एंड अगर हम इनके गोल स्कोर्ड की बात करें सो पिछले मैच में उन्होंने 4 गोल स्कोर करे थे एंड विच टुक देयर टैली टू 9 गोल्स इन द लास्ट 5 गेम्स, विच इज़ इम्प्रेसिव कंसिडरिंग के वो लीग टेबल में कहाँ पर हैं। एंड अगर हम टिग्रेस की बात करें सो टिग्रेस ने भी अच्छा परफॉर्म किया, पिछले 5 में से 4 मैचेस जीती एंड सिर्फ 2 गोल्स कंसीड करे उन 5 गेम्स में, 3 क्लीन शीट्स रखी, तो डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टिग्रेस। एंड अगर हम की स्टैट्स की बात करें सो निकाक्सा ने पिछले 10 मैचेस में से सिर्फ 2 में क्लीन शीट रखी है, 8 मैचेस में क्लीन शीट नहीं रखी है, विच इज़ नॉट द बेस्ट ऑफ रिटर्न्स। एंड अपने पिछले 9 मैचेस जो उनके टिग्रेस के अगेंस्ट हुए हैं उनमें से वो एक भी नहीं जीती हैं, तो उनका फॉर्म अगेंस्ट टिग्रेस इज़ नॉट द बेस्ट। तो हम ये देख सकते हैं कि टिग्रेस का हमेशा अपर हैंड होता है ओवर निकाक्सा। लास्ट स्टैट की बात करें सो निकाक्सा अपने पिछले 4 होम मैचेस टिग्रेस के अगेंस्ट भी नहीं जीती हैं, तो उनका होम फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है टिग्रेस के अगेंस्ट। एंड अगर आप और स्टैट्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक्सपेक्टेड इलेवन की बात करें सो ऐसे कुछ होंगे ही हमारे एक्सपेक्टेड इलेवन्स, ऑफकोर्स इसके बेसिस पे ही हम आपको की प्लेयर्स देंगे एंड कुछ की प्लेयर्स ऑब्वियसली यहाँ से मिसिंग हो सकते हैं जब फाइनल लाइनअप्स आपके पास होंगी। अगर हम की प्लेयर्स की बात करें सो निकाक्सा के लिए एग्वायर हैं जो कि उनके टॉप स्कोरर है विद 9 गोल्स एंड 4 असिस्ट, एंड हाईएस्ट असिस्ट प्रोवाइडर भी है विद 4 असिस्ट, जो कि बहुत बहुत इंप्रेसिव है। एंड और अगर प्लेयर्स की अगर बात करें सो मैड्रिगल जो कि 3 असिस्ट के साथ इन जस्ट 11 स्टार्ट्स इज़ अ गुड रिटर्न फॉर अ मिडफील्डर। एंड हिमेनेज जो कि उनके स्ट्राइक पार्टनर होंगे, उनके भी 4 गोल्स एंड 1 असिस्ट हैं इन जस्ट 8 स्टार्ट्स, विच इज़ अ वेरी इंप्रेसिव रिटर्न। एंड टिग्रेस की बात करें सो उसमें गिगनैक हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, फ्रेंच इंटरनेशनल है 15 गोल्स एंड 5 असिस्ट के साथ। एंड फ्लोरियन टोवान जो कि फॉर्मर मार्से प्लेयर हैं, फॉर्मर न्यूकासल प्लेयर हैं एंड उनके 5 गोल्स एंड 3 असिस्ट हैं। क्विन नूनेज़ उनके 5 गोल्स एंड 9 असिस्ट हैं। विगोन है जो कि 9 गोल्स एंड 2 असिस्ट के साथ वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स भी हैं। तो ये कुछ हमारे की प्लेयर्स हैं, इनके साथ ही आपको अपने कॉम्बिनेशंस बनाने चाहिए। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें सो अभी के लिए हम एक फ्रंट टू के साथ जा रहे हैं, क्योंकि आपको अटैकिंग पोजिशंस में शायद आपको इतने ऑप्शंस ना मिले, क्योंकि जो प्लेयर्स वहाँ पे हैं हो सकता है वो स्टार्ट ना करें, बट अगर वो करते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा फॉरवर्ड भी लेकर आ सकते हैं। बट अभी के लिए गिगनैक एंड एग्वायर हमारे फ्रंट टू हैं, दोनों हमारे की प्लेयर्स हैं, दोनों ही हमारे कंसिडरेशन में हो सकते हैं फॉर कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी। मिडफील्ड की बात करें सो क्विनोनेज हैं, विगन थोवान एंड मैड्रिगल, ये 4 हमारे मिडफील्डर्स हैं। एंड मिडफील्ड में आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी जब हम टिग्रेस की बात करते हैं, तो उसमें क्विनोनेज हैं, विगन हैं जो कि हमारे की प्लेयर्स में भी थे, उसके अलावा टोवान भी हैं जो कि काफ़ी इंप्रेसिव प्लेयर हैं। एंड मैड्रिगल ये हम आप एज अ मिडफील्ड ऑप्शन आप रख सकते हैं फॉर एक निकाक्सा। एंड डिफेंस में जाने से पहले प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो डिफेंस में अभी के लिए एक बैक 3 है, क्योंकि ज़्यादा आपको क्रेडिट इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप ज़्यादा अटैकर्स और मिडफील्डर्स अगर लेंगे। एंड गुजमैन को हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो निकाक्सा के कीपर हैं वो सरप्राइजिंगली 9 क्रेडिट्स हैं, जबकि गुजमैन जो है वो 8 8.5 क्रेडिट्स है। तो अगर आपको क्रेडिट इशू नहीं फेस करना पड़ता तो आप निकाक्सा के कीपर को ही लेकर आएँ। उसके अलावा एंगेलो हैं, गार्सिया हैं, ओलिवेरोज हैं, ये 3 हमारे डिफेंडर्स हैं। एंड टॉकिंग अबाउट आर 11th प्लेयर, उसके लिए हमने कुछ आपको
हाईलाइटेड कुछ ऑप्शन दिए। अगर आप टीग्रेस के डिफेंस को बैक करते हैं तो आप उनका वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस है लीग में, तो अगर आप उनके डिफेंस को बैक करते हैं तो आप पिजारो को लेकर आ सकते हैं। निकाक्जा का जैसे हमने बताया, मैलिगन जो कि उनके कीपर हैं वो 9 क्रेडिट्स के हैं क्योंकि उनके सेव पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो आप अगर अगर आपको कोई क्रेडिट इशू नहीं होता तो आप निकाक्जा के कीपर को लेकर आ सकते हैं। एंड विलेल पांडो जो कि एक मिडफील्डर हैं, अगर आप मिडफील्ड में थोड़े एडिशंस करना चाहते हैं तो आप विलेल पांडो को लेकर आ सकते हैं। सो ये था हमारा एक छोटा सा प्रीव्यू एंड कुछ सजेस्टेड कॉम्बिनेशन एंड कुछ की प्लेयर्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ गुड गेम।